साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला जो है ना ऊपर ये नेचुरल लाइट आना बोल के इस तरह से लगाया गया। सो ये जो मटेरियल कौन से यूज़ किया है वो मैं बताना चाहता हूँ। ये यूज़ किया गया है फाइबर शीट में, फाइबर टाइप का है। ओके, ये थोड़ा एक्स्ट्रा लिया गया बाहर की तरफ। इस लैब में कोई भी नहीं आते तो उसके लिए ऐसा चल जाता। आप चाहे तो ग्लास वर्क भी बना सकते हैं, बाकी का वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। फिर उसके अलावा दूसरा चीज़, इसको परमानेंट पर्पज़ इस तरह से लिया गया। ये वाला स्टेनलेस स्टील, एसएस स्टील का यूज़ किया गया। और पानी नहीं जाना बोल के जो है इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर देखिएगा नीचे की तरफ से इस तरह से बनाया गया, सो दैट कोई भी थोड़ा भी पानी इसके अंदर चले नहीं जाता है। सो मेन चीज़ है, बिकॉज़ अगर यहाँ से पानी नीचे लीक होने का चांसेस रहता वो उसको अच्छी तरीके से वाटरप्रूफिंग करके यहाँ पर बनाया गया। ओके, और जब इसमें एक फ़ायदा है, यहाँ से जो है आप पूरा अंदर की तरफ देख सकते हैं नीचे कैसा है, या फिर जो इसके नीचे ठहरे तो ऊपर का जो है वो सन हो या फिर वो वाला नेचुरली देख सकते हैं आप लोग। इसको आप इसको थोड़ा लिफ्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल शीट टाइप में मिल जाता है फाइबर फ्लेक्सिबल शीट। अगर आपको कंटिन्यू एयर चाहिए तो एयर नेचुरल सनलाइट इस तरह से आपको मिलेगा। आजकल मार्केट में बहुत सारे टाइप में आए, आप चाहे तो 12 mm हेवी वाला ग्लास करेगा आपके ऊपर। अब मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ ये कैसा दिख जाएगा बोल के। ये थोड़ा सा रिस्की है, अब मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ कैसा दिखता है बोल के। यहाँ पर देखिएगा, जो लाइट का पोर्शन है ना इस तरह से दिखेगा आपको। और वो उजाला कंटिन्यूस पूरा नीचे तक जाएगा, सो दैट डाइनिंग खाना खाते समय आपको बहुत ही अच्छा दिखेगा वो वाला चीज़। सीलिंग पैटर्न थैंक यू।